नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय क्रिकेटर यश श्रीसंत ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 9 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की थी और वो उसके बाद चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि अब आगे की जनरेशन को वो मौका देना चाहते हैं, इसीलिए वो अब संन्यास ले रहे हैं। बता दें कि श्रीसंत ने भारत के लिए 2007-2011 विश्व कप खेला और दोनों बार भारत विजेता बने, 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप। लेकिन श्रीसंत पर 2013 में बैन तब लग गया जब IPL में वो स्पॉट फिक्सिंग में फंस गए और उसके बाद से उनका करियर पूरी तरीके से तबाह हो गया। इसके बाद श्रीसंत ने अपना नाम अब की IPL मेगा ऑक्शन में भी भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई उन्हें अपनी टीम में जरूर शामिल करेगा, लेकिन 10 की 10 IPL फ्रेंचाइजी उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उनका नाम ऑक्शन टेबल पर भी नहीं आया और वो अनसोल्ड रहे, जिसके बाद यश श्रीसंत काफ़ी भावुक हो गए थे। वहीं अब यश श्रीसंत ने अपने संन्यास का ऐलान करते हुए ट्विटर पर लिखा है, अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों के लिए मैंने अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट को अलविदा करने का फैसला किया है। यह निर्णय मेरा खुद का है, हालांकि मैं जानता हूं कि इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यह मेरे जीवन में निर्णय लेने का सही समय है। मैं हर पल का आनंद लिया। आपको बता दें कि यश श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे मुकाबले खेले। 27 टेस्ट में उन्होंने 83 विकेट लिए, जबकि 53 वनडे मुकाबलों में उन्होंने भारत के लिए 75 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके नाम दो विश्व कप हैं, 2007 T20 और 2011 वनडे वर्ल्ड कप। फिलहाल उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है।